नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग शोरूम। आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं या अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आपके शोरूम पर फुटफॉल कम है, तो आज मैं आपको आपके शोरूम के बाहर के वास्तु के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। बाहर की वास्तु कैसी होनी चाहिए? आपके यहाँ आपका शोरूम में वर्किंग कम है, फुटफॉल कम है, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और विचार करें, और उसके बाद आप ये देखें जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन बातों में, और जो आपके यहाँ बाहर के भाग में जो आपने काम कराए हुए हैं उनमें कितना फ़र्क है, आप उनको चेक कीजिए, अपने यहाँ चेंजेस कीजिए। तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ फुटफॉल बढ़ जाएगा, आपके यहाँ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, आपका जो शोरूम है उसके एक पॉइंट पर, यानी एक कोने में नॉर्थ आता है और दूसरे कोने में ईस्ट यानी पूर्व दिशा आती है, तो ऐसा शोरूम नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बन जाता है। उसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जो आपका बाहर का एरिया है, जो आपकी अपनी सड़क है, जो फुटपाथ है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऊंचा नीचा खड्डे वाला नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ फ्रंट के भाग में नाली बनी हुई है तो आप उस नाली को साफ करवा कर उसको पत्थरों से ढकें। जो पत्थर आप नाली को ढकने के लिए लगाएंगे वो पत्थर आपके वाइट कलर के होने चाहिए और इसी के साथ स्मूथ भी होने चाहिए, यानी जो यहाँ का लेवल है, जो नाली के ऊपर पत्थर ढकेंगे वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, एक लेवल में होने चाहिए। अब बात करते हैं शटर की। जो आपका अपना शटर लगा हुआ है, इस शटर पर आपने जो कलर करना है वो आइवरी कलर या ऑफ वाइट कलर ही करना है। इसके बाद बात करते हैं आपकी एंट्रेंस की। आपने अपने यहाँ जो एंट्रेंस बनाई हुई है, यदि नॉर्थ ईस्ट में बनाई हुई है नॉर्थ कॉर्नर पर, तो यहाँ पर आपने जो फुटमैट रखना है, जो पायदान रखना है, वो स्काई ब्लू कलर का रखना है। यदि आपने एंट्रेंस ईस्ट यानी पूर्व दिशा के कोने में बनाई हुई है, यहाँ पर आपने जो पायदान रखना है वो लाइट ग्रीन कलर का पायदान रखना है। यदि आपके यहाँ एंट्रेंस सेंटर से बनती है तो यहाँ पर आपने जो पायदान रखना है वो लाइट ब्राउन कलर का पायदान रखना है। आपके अपने शोरूम के शटर के ऊपर वाले हिस्से में जो बोर्ड लगता है, जो नाम लिखवाते हैं, उसके अंदर जो कलर होने चाहिए वो लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए, येलो कलर होना चाहिए, ऑफ वाइट कलर होना चाहिए और स्काई ब्लू कलर ही होने चाहिए। शोरूम के बाहर फ्लैक्स लगाई जाती है। आपने फ्लैक्स नॉर्थ के भाग में लगानी है तो फ्लैक्स का कलर ब्लैक कलर, वाइट कलर और ब्लू फैमिली ही होनी चाहिए। इन तीनों कलर में आप मिक्स करके अपनी फ्लैक्स बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आप अपने यहाँ ईस्ट कॉर्नर में फ्लैक्स लगाते हैं तो उसके कलर कौन कौन से होने चाहिए। पूर्व दिशा में जो आपने फ्लैक्स लगानी है उसके अंदर जो कलर होने चाहिए, येलो कलर, लाइट ब्राउन कलर और ग्रीन कलर की फैमिली ही होनी चाहिए। इसमें ग्रीन कलर आप लाइट और डार्क करके अपने फ्लैक्स तैयार करा सकते हैं। जितनी भी दुकानें शोरूम मार्केट के अंदर होती है उनमें हमेशा ही तारों के जंजाल बने हुए होते हैं। आपके यहाँ भी तारों का जंजाल जरूर होगा। यदि आपके यहाँ तारों का जंजाल बना हुआ है तो मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, जहाँ तक आपका शटर ओपन होता है उसके आगे तारें झूलती हुई नहीं होनी चाहिए। आपने वो सभी तारें इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर अपने शटर से ऊपर करवानी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर की। वैसे तो मीटर आजकल खंभों पर, पोल पर ही लगते हैं। यदि आप अपने यहाँ मीटर अंदर लगवा रहे हैं तो आपका जो मीटर है वो ईस्ट कॉर्नर से साउथ कॉर्नर तक, साउथ ईस्ट में जहाँ आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर आप अपना मीटर लगा सकते हैं। आपके यहाँ सप्लाई का पानी आता है और आपने अपने शोरूम में सप्लाई का पानी
लेना है, उसका मीटर आपने कहाँ लगाना है। उसका मीटर आपने नॉर्थ कॉर्नर में ही लगाना है और यहीं पर आपने पानी का नल लगवाना है। इसी के साथ आपको एक नल बाहर के भाग में भी लगवाना है, वो भी आपका नॉर्थ कॉर्नर में ही आएगा। आपके यहाँ आपका अपना शोरूम बना हुआ है और आपके यहाँ फुटफॉल कम है, तो उसके लिए मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, आप अपने शोरूम के बाहर के भाग में हर रोज पानी का छिड़काव करते हैं तो आपके यहाँ भरपूर दौलत आने के साधन बनेंगे। और पानी का नल नॉर्थ में लेने से आपके यहाँ लगातार भरपूर दौलत आएगी। जो बातें मैंने आपको बताई है, आपका अपना शोरूम बना हुआ है और आपके यहाँ फुटफॉल नहीं है, तो इन बातों को अपने यहाँ अपने फ्रंट के भाग से मैच करें कि आपके यहाँ क्या कमी है। आप मेरे द्वारा बताई गई बातें अपने यहाँ अप्लाई करते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।